हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। अध्यक्ष और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा लगातार सिरसा का चौतरफा विकास करवाते रहे हैं और एक बार फिर उनकी एक पहल है जो कि रंग लाई है। आपको बता दें कि यहां पर कंटेनमेंट जोन जो है वो कई क्षेत्रों में बनाए गए थे और इसके बाद उनकी एक और पहल रंग लाई है, देखिए। कोरोना काल में वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए कंटेनमेंट जोन का कंसेप्ट दिया गया, बफर जोन बनाए गए, लेकिन कंटेनमेंट जोन लोगों के लिए समस्या का कारण बन गए हैं। एक तो उनका दायरा काफी बड़ा होता है, दूसरा दिन भी 28 है। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव कहीं निकलता है तो उसके साथ साथ पूरा उस एरिया को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया जाता है। हम इस समय नौरिया बाजार में खड़े हैं, इस एरिया को भी एक कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद कंटेनमेंट जोन बनाया गया था। काफी बड़ा जो घंटाघर चौक से लेकर और कांडा वाली गली तक का जो पूरा बाजार है वो कंटेनमेंट जोन में शामिल किया गया था। सारे बाजार जो लॉकडाउन की अवधि के दौरान बंद थे वे कंटेनमेंट जोन के कारण 28 दिन के लिए बंद हो गए। लोगों में काफी आक्रोश था, नाराजगी थी प्रशासन के प्रति। इसी को लेकर सिरसा के विधायक गोपाल कांडा के पास भी लोग मिले और गोपाल कांडा के पास जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे तो उन्होंने ये बात पुरजोर ढंग से उठाई। अब इसका दायरा जो है वो कम कर दिया गया है, 20 मीटर तक का कर दिया गया है और आगे के जो दूसरे भी तमाम जो शहर में इस तरह के कंटेनमेंट जोन है उनके लोग भी यही आवाज उठा रहे हैं कि उनका भी जो कंटेनमेंट का दौर जो जोन का दायरा है वो 20 मीटर किया जाए और साथ ही साथ जो 28 दिन की अवधि है उसे भी कम किया जाए। हमारे साथ वार्ड पार्षद के प्रतिनिधि अमित सोनी है, इनसे जानते हैं क्या कुछ समस्या थी और क्या इसका उपचार क्या हुआ है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, सिरसा के विधायक गोपाल कांडा और गोविंद कांडा जी का। इनका प्रयासों से जो कंटेनमेंट जोन का जो दायरा था जो काफी बड़ा था उसको सीमित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री जी ने से बाजार वासी मिले हैं गोपाल कांडा जी के मार्फत और उन्होंने यही कहा था कि जो कंटेनमेंट जोन का जो दायरा है वो जो संक्रमित परिवार है जो प्रभावित परिवार है उससे 20 मीटर इधर और 20 मीटर उधर होना चाहिए। उसके बाद प्रशासन हरकत में आया और कल रात को ही जो है कंटेनमेंट जोन का जो दायरा है वो सीमित कर दिया गया है, कम कर दिया गया है। बाजार वालों में खुशी की लहर है इस बात के लिए और बार बार वो गोपाल कांडा जी, गोविंद कांडा जी और मनोहर लाल जी का धन्यवाद कर रहे हैं। दूसरी बड़ी मांग इनसे और है कि जो कंटेनमेंट जोन का जो ये 40 फुट का दायरा और है, जो चौड़ा दायरा है, उसको भी घटाकर 20 फुट करने का जो मांग बाजार वाले कर रहे हैं, क्योंकि ये मेन रास्ता है सामान्य शिवपुरी जाने के लिए, लोग संस्कार के लिए, अंतिम संस्कार के लिए शव वाहन में यहाँ संस्कार के लिए जाते हैं और लोग कह रहे हैं बार बार कि जो ये 40 फुट का जो दायरा है वो भी घटाकर 20 फुट कर दिया जाए ताकि लोगों को संस्कार करने में दिक्कत ना आ सके। नौरिया बाजार में घी की दुकान चलाने वाले हमारे साथ अजय अग्रवाल जी हैं, इनकी भी दुकान बंद हो गई थी कंटेनमेंट जोन में, अब खुल गई है, कैसा महसूस करें दुकान खुली है, कैसे राहत में? बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनका, बस भाई ये कम करने के लिए। और तो शहर में आप भी प्रतिष्ठित नागरिक हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, क्या जो कंटेनमेंट जोन का पूरे शहर में जो इलाका है उसके लिए आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से हमारी मांग यही है कि जैसे ये नौरिया बाजार के अंदर इस कंटेनमेंट जोन को घटा करके 20 मीटर का और 20 मीटर का इधर उधर दोनों तरफ किया गया है तो हम दूसरे कंटेनमेंट जोन के लिए भी मांग करते हैं कि जैसे मनोहर लाल खट्टर जी यहाँ पर कांडा साहब के यहाँ शोक व्यक्त करने आए थे और कांडा साहब ने अपनी पुरजोर से पूरे दल बल से ये मांग उनके पास रखी और उन्होंने ये मानी, इससे वार्डवासियों को थोड़ा हम वार्डवासियों को तो ये थोड़ा इनको राहत की सांस ली है, लेकिन हम दूसरे जो अन्य क्षेत्र हैं उनमें भी ये मांग करते हैं कि सारे सरसा के वासी जितने भी हैं उसमें सभी के लिए कंटेनमेंट जोन को 20-20 मीटर का दायरा कर दिया जाए। नहीं, गोपाल कांडा जी ने, गोविंद कांडा जी ने जो हमारे लिए किया है बहुत अच्छा किया है। पहले बिल्कुल बाजार बंद था, सब एकदम परेशान थे, लेकिन उन्होंने छोटा दायरा करके हमें बहुत राहत दी है। तो बड़ी मांग अभी यही है कि दायरा घटाया जाए और साथ ही साथ जो है 28 दिन की अवधि भी घटाकर 14 दिन की जाए। कैमरामैन सुरेंद्र दत्त के साथ अमित तिवाड़ी, हरियाणा न्यूज, सिरसा।